इंदौर में लगातार मामूली विवाद में वारदातें सामने आ रही है। कुछ ऐसा ही बाणगंगा थाना क्षेत्र में देखने को मिला। यहां बच्चों के बीच की लड़ाई ने एक खतरनाक रूप ले लिया। देखते ही देखते इस लड़ाई में घर के बड़े भी शामिल हो गए और एक युवक की जान चली गई। घटना बाणगंगा थाना क्षेत्र के ऋषि नगर की बताई जा रही है। यहां बच्चे समूह में खेल रहे थे, इसी बीच उनके बीच विवाद हो गया। बाद में बच्चों के बीच की लड़ाई में बड़े भी कूद पड़े। बड़ों के शामिल होने के बाद लाठी डंडे के साथ तलवारें भी चली, जिसमें एक युवक की जान चली गई। जो बग्गो है ना, बग्गो का नाम है रेखा भाई। हाँ। और ये है ना, क्या बोलते, गोलू शुक्ला जी के यहाँ काम करती है। अच्छा। है ना, उनके वहाँ से ये फोन लगवा देती है और जो भी अपने केस दर्ज करते हैं, रिपोर्ट हाँ। तो ये सब दबा देती मामला। कौन है गोलू शुक्ला जी? गोलू शुक्ला जी बीजेपी के कार्यकर्ता है। अच्छा। गोलू शुक्ला क्या क्या काम करती है? ये वहाँ पे झाड़ू पोछा बरतन। ये वही विष्णु मोड़े जी के लड़के गोलू शुक्ला जी, उन्हीं के। तो ये कभी अपनी सुनवाई नहीं करते, अपना पक्ष नहीं लेते गोलू शुक्ला जी? नहीं ना, अपनी बात ही नहीं हुई इनसे। अच्छा। अब ये पता नहीं परवारे जाके ये उसी की धमकी देती है। अच्छा। आप इनके घर में जाओगे, बकायदा देखो गोलू शुक्ला जी का फोटो लगा हुआ है। अच्छा, बग्गो के घर में? हाँ, बकायदा रखा हुआ है। और ये उन्हीं का नाम लेती है कि ना, अरे तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। और ये है ST SC कास्ट की, ये जात का भी फायदा उठा लेती है इनकी। पुलिस वाले गोलू शुक्ला करण को कुछ बोलते नहीं है? अब वो फोन ला जाता है, हमको पूरा पक्का नहीं पता। और ये है ना, लड़के जैसे जूनी इंदौर के कुछ लड़के बुला लेंगी। हाँ। और इनके यहाँ पे अपने मरी माता का तरफ है कोई सा मोहल्ला, वहाँ के पहचान है, तो वहाँ के भी कुछ लड़के बुला लेती हैं। तो ये मतलब बहुत सारे लड़के, पूरी गली भर जाती, इतने लड़के आ जाते हैं जी। बिल्कुल, अभी मतलब 2 दिन भले ही बंद था काम इनका, मगर फिर चलू वापस से जाना आना चलू। खबरों के हर पहलू पर है हमारी नजर, सलीके से दिखाते हैं हम सच्ची खबर। एक ही ऐप पर आपको मिलेगी देश दुनिया की हर खबर। हमारी सोशल वॉल के जरिए हो दुनिया से कनेक्ट। मोबाइल पर एक टैप कर फ्री में पढ़ें हमारा ई पेपर। एक टैप पर देखें इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो। मृदुभाषी अखबार के QR कोड को स्कैन कर देखें खबरें। अभी इंस्टॉल करें मृदुभाषी ऐप। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि 100 नंबर डायल करने व थाने पर फोन करने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। हमला करने वालों को बीजेपी के नेता गोलू शुक्ला का संरक्षण होना भी बताया जा रहा है। 8-1 दिन से इनका विवाद चल रहा था भग्गो करके एक लेडी से। उसके बाद इनने आज फोन, कल रात में भी 12:30-1 बजे इनका विवाद हुआ। उसने 10-15 लोगों को बुला के इनके घर पे हमला करा, गाली गलौज करी, जो भी शब्द बोले, सब धारिया तलवार लेकर आए थे, हथियार वगैरह सभी लेकर आए थे। उसके बाद ये आज वापस विवाद हुआ, 10-15 लोगों को उनने बुलाया। मेरी सिस्टर ने मेरे को फ़ोन लगाया, आकाश भी था, मेरे पास फ़ोन आया, मैंने घर से ही 100 नंबर पर फ़ोन लगाया पुलिस वालों को। पुलिस वाले समय पे नहीं पहुँचे, इस पार्ट पे पहुँचा। मेरा भतीजा मेरी 2-व्हीलर से उतर के तुरंत चला गया जहाँ पे झगड़े हो रहे थे। गुंडे लोग अंदर बंद थे, वो लोग बाहर उतर निकले एकदम, और उनने हमला कर दिया, 3 वार कर दिया। ये विवाद था। घर कितने फोड़े? घर दो घर में फूका फाकी कर दी, 2 बाइक जला दी है। पुलिस इस पार्ट पे पहुंची नहीं, पहुंची उसके बाद में आवाज लगा रहा हूँ कि सर एम्बुलेंस बुला लो, एम्बुलेंस बुला लो, पर कोई एम्बुलेंस नहीं। पुलिस वाले जो जहाँ खड़े हैं वहीं अंदर तक देखने तक नहीं आए पुलिस वाले। युवक की मौत के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को MY अस्पताल पहुंचाया। बाणगंगा थाने में कभी हत्या होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस संबंध में थाना बाणगंगा में अपराध पंजीबद्ध किया गया, आरोपियों की पतारसी की जा रही है। घटना कुछ इस प्रकार की, कल रात को थाना बाणगंगा क्षेत्र में एक रेखाबाई नामक महिला के द्वारा एक अपराध पंजीबद्ध कराया गया था। उसका कहना था कि उसके घर पर आकर कुछ लोगों के द्वारा मारपीट की गई है और गाड़ी चलाने की कोशिश की गई है। इस पर से थाना बाणगंगा में अपराध पंजीबद्ध मोनू पाशी, शशि पटेल, अभय पटेल, विजय पटेल और अंशुल पटेल के विरुद्ध कायम किया गया था। आज दिन में ये लोग पुनः संबंधित महिला के घर लड़ाई झगड़ा करने के उद्देश्य से गए थे। उसी दौरान महिला पक्ष के लोगों के द्वारा भी उनके साथ मारपीट की गई। उस मारपीट में राज पटेल नामक व्यक्ति की हत्या हो गई है। हत्या करने वाले लोगों के संबंध में भी जो जानकारी प्राप्त हुई है उसमें कालू उर्फ गौरव, बसंत, प्रतीक, सागर और अंकित ताती, इन लोगों के नाम अभी तक सामने आए हैं। पुलिस द्वारा संपूर्ण घटनाक्रम की जांच की जा रही है। अभी पुलिस द्वारा कुछ आरोपियों को अपने हिरासत में ले लिया गया और घटनाक्रम के बारे में जानकारी एकत्र की है। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जाँच शुरू कर दी है। मृदुभाषी के लिए इंदौर से यशवंत पवार की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।